केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का चैप्टर इसकी एमसीक्यू के उस पर आते हैं। गैसेस इजीली बी कंप्रेस अंडर प्रेशर बिकॉज दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्स, हैव नो डेफिनेट शेप, हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, हैव लार्ज साइज मॉलिक्यूल। द लाइटेस्ट गैस ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। और सम क्वांटिटी ऑफ गैस इज प्रेजेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम बिकम डबल एट। हाँ जी, ये भी पूछ रहे हैं। थ्योरेटिकली द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0 एट इफ वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ होगा? चलिए जी जवाब दें। ओके जी, गैसेस के ईजली बी कंप्रेस अंडर प्रेशर बिकॉज दे, ऑप्शन ए में हैव नो अट्रैक्टिव फोर्स, हैव नो डेफिनेट शेप, और सी में हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो कौन सा करेक्ट है? हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। और यार बहुत कम बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये बात गलत है। लाइटेस्ट गैस ऑन अर्थ इज H2, हाइड्रोजन। सम क्वांटिटी ऑफ गैस इज प्रेजेंटेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट वॉल्यूम बिकम डबल एट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 273 केल्विन। फिर कह रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर हम चेंज नहीं करते, इट वॉल्यूम बिकम डबल। तो देखो, वॉल्यूम डबल तब होगी जब टेम्परेचर डबल हो जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों भाई? 273 डिग्री सेंटीग्रेड 546 केल्विन होता है, और 273 का डबल 546 होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। थ्योरेटिकली वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0 एट, हाँ जी, किस पर 0 होती है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। इफ वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस, दिस लॉ इज कॉल्ड प्रेशर टेम्परेचर लॉ, यानी कि ऑप्शन सी बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, अब इफ इक्वल नंबर, बड़े गौर से देखो, बड़ा अहम सवाल है, ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नंबर ऑफ मोल भी सेम है, डिफरेंट गैसेज के प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, देन देयर, हाँ जी, वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, डेंसिटीज आर ऑल्सो सेम, मासेज आर ऑल्सो सेम, ऑल ऑफ अबव। बड़ा प्यारा सवाल है। पी वी इक्वल टू आर डी, एन आर डी नहीं है, आर डी इज ट्रू फॉर 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ SO2, ऑल ऑफ दीस। एबिलिटी ऑफ गैसेज टू इंटरमिक्स विथ ईच अदर इज नोन हैज एफ्यूजन, डिफ्यूजन, फ्यूजन या कॉन्फ्यूजन। ओके जी, अंडर द सेम कंडीशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फॉलोइंग गैसेज आर सेम, NOCO या CONO2 या N2O2 या ऑल ऑफ देम। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन नॉर्मल ड्राई गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट 159.6 टोर 760 टोर 400 टोर। जल्दी जाओ, भेजो मुझे। सॉल्व कर रहे हैं, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन देयर वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, मासेज आर ऑल्सो सेम। तो मेरे बच्चों एक बात सुनो, फार्मूला होता है PV इक्वल टू NRT। ठीक है जी। अब उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, N भी सेम दे दिया उन्होंने, टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, तो भाई क्या चीज़ सेम हो जाएगी? वॉल्यूम भी सेम होगी ना। पी वी इक्वल टू RT तब हो सकता है जब N की वैल्यू 1 हो, नंबर ऑफ मोल्स। वेल, 16 ग्राम ऑफ O2 ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेट 16 है, O2 का मास 32 है। ऑप्शन बी जनाब, बिल्कुल यही होगा, 16 ग्राम। CH4 का मास भी 16 है, 16/16 1, यानी आंसर ऑप्शन बी। एबिलिटी ऑफ गैसेज टू इंटरमिक्स विथ ईच अदर, यार ये तो पक्का आना चाहिए, डिफ्यूजन।
अंडर द सेम कंडीशन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तब इक्वल होगा जब मासेज इक्वल हो और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मास दोनों का मास 28 होता है। और ये एक रट्टे वाला है क्वेश्चन नंबर 10। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नॉर्मल ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्या होगा 159.6 bar। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लिक्विड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, ये बात तो सही है भाई, दे एक्सपैन ऑन हीटिंग, ये भी सही है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट शेप, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। पॉइज इज यूनिट ऑफ, हाँ जी किसका यूनिट होता है, बोलो बोलो, विस्कोसिटी। ऑल वेटिंग लिक्विड शो कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यार वाटर समेत जितने वेटिंग लिक्विड हैं, हाँ जो मरकरी समेत ड्राई लिक्विड है उनका कॉन्केव मेनिस्कस होता है। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, अमाउंट ऑफ हीट विच डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर बट टोटली कंज्यूम फॉर द चेंज ऑफ स्टेट मे बी। अब चीज़ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों ही होती है, तो बोथ एन भी हो जाएगा। देखो बताता हूँ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और उसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।